डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर यात्री बसों का किराया बढ़ाने की मांग को लेकर गंगवाल बस ऑपरेटर एसोसिएशन ने एक दिनी बस हड़ताल करने का फैसला लिया है, जहां 26 फरवरी को करीब 150 से अधिक यात्री बसों के चक्के थम जाएंगे। गंगवाल बस स्टैंड पर ऑपरेटर एसोसिएशन के अध्यक्ष शिव गौड़ ने मीडिया के सामने कहा कि वो यात्री बसों का किराया बढ़ाने को लेकर लगातार सरकार के समक्ष मांग रख रहे हैं, जहाँ डीजल के भाव में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और यात्री बसों का किराया जस का तस लंबे समय से बना हुआ है। ऐसे में बस संचालकों को भारी घाटा झेलना पड़ रहा है। वहीं यात्री बसों का विभिन्न तरह का टैक्स सरकार वसूल रही है। ऐसी विभिन्न तरह की मांगों को लेकर 150 के अधिक बसें 26 फरवरी यानी शनिवार को थम जाएगी। इंदौर से ब्यूरो राकेश सच्चा के साथ सतीश शर्मा की रिपोर्ट। हड़ताल का मुख्य कारण है हमारे किराए में वृद्धि नहीं हो रही है। जब हमारा डीजल 60 रुपये लीटर था, जब हमारा किराया बढ़ा था, आज 90 रुपये लीटर डीजल हो गया है, अभी तक हमारा किराया नहीं बढ़ा। इसमें किराया बोर्ड की बैठक हुए को 3 माह हो चुके हैं। हमारा सरकार से विनम्र निवेदन है कि हमारे किराए में वृद्धि करें और डीजल के रेट में कमी करें, ताकि हम अपने वाहनों को संचालित सुचारू रूप से कर सकें। दूसरा, अभी एक नया मुद्दा उठा है कि ओवरलोडिंग की चालानी कार्रवाई RTO द्वारा की जा रही है, जिसमें जिन बसों में सवारी कम होती है उनके भी चालान बनाए जा रहे हैं 1,000 रुपये से लेकर 15,000 रुपये तक। बस मालिक परेशान है चालानी कार्रवाई से, डीजल से और किराया वृद्धि नहीं होने से। तो हमारा सरकार से विनम्र आग्रह कि हम एक दिन की सांकेतिक हड़ताल अभी कर रहे हैं, जिससे सरकार हमारी ओर ध्यान दे और हमारी तीनों मांगे उचित है, इनका शीघ्र निराकरण करें। गंगवाल बस स्टैंड से राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश में चलने वाली रतलाम, मंदसौर, नीमच, झाबुआ, अलीराजपुर, कुक्षी, धार, राजगढ़, यहाँ की समस्त बसें एक दिन के लिए सांकेतिक हड़ताल करेगी। ये अभी हमारा निर्णय है। आज को कितने बस ऑपरेटर हड़ताल पर है? सभी बस ऑपरेटर हड़ताल पे इस क्षेत्र के करीब 150 बसें गंगवाल बस स्टैंड से नहीं चलेगी। शिव सिंह गोड़, गंगवाल बस स्टैंड बस ऑनर एसोसिएशन अध्यक्ष। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।